हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। पहला स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सोनू ब्लॉग्स पे। आशा करते हो सभी लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं सुबह 7 बजे से, और जो कि आप सभी लोगों को, जैसे कि आप लोग को पता होगा कि आजकल चल रहे हैं पितृ श्राद्ध पक्ष, और सभी के घरों में लगभग लगभग श्राद्ध चल रहे होंगे आजकल। तो आज हमारे घर में भी श्राद्ध है और पंडित जी आएंगे और श्राद्ध करेंगे और तरह तरह के पकवान बनेंगे, और क्या पकवान बनेंगे मैं आप लोगों को दिखाते रहूँगी, और किस तरह से बनाएंगे वो भी मैं आप लोगों को दिखाते रहूँगी। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे ब्लॉग्स पे, और आज का ब्लॉग थोड़ा बड़ा भी हो जाएगा और थोड़ा अच्छा भी लगेगा देख के, क्योंकि अपने उत्तराखंड की ताई जी है और ये सिलवट्टे में पीस रहे हैं कसार, और इसका बनाएंगे हम पिंड, और इसी की होती है पूजा पिंड बना के। ये देखिए हमारे ताई जी हैं, ताई जी यानी कि बड़ी सास है ये हमारी, और ये अपने काम पे, इनकी भी अभी एक ड्यूटी लगी है, ये अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, और मेरी ड्यूटी ये है उड़द पीसने की। इसकी बनाएंगे हम कचौड़ी यानी कि बाड़े बनाएंगे, ये मैं मिक्सी में पीस रही हूँ, और ये देखिए, और इतने और पीसने मैंने इतने और बिगा रखे हैं, और यहाँ हमारी सास बना रहे हैं चावल की खीर। ये देखिए, ये है चावल की खीर, और साथ में कर रहे हैं आटा गूंद रहे हैं, ये पूरियां बनाएंगे। ये मेरी सास है, और ये और साथ में मैं आपको दिखाती हूँ पूजा का सामान। ये है फल फ्रूट, ये रायता के लिए ककड़ी कोड़ रहे हैं, और इसका रायता बनाएंगे खीरे का, और ये मैंने कचौड़ी का मसाला तैयार कर दिया बाड़े का। जहाँ चाय ना हो वहाँ कैसा काम, ये देखो चाय की केतली इनकी तैयार ठहरी, काम तो कुछ ठहरा नहीं, चाय पीने में रहते हैं। इधर देखो तो ठुलिया, ये देखो ये चाय, और साथ में मिश्री की कटके लाए हैं। बना रही हूँ रायता, ये दही है, इसमें भी दही है, ये खीरा है, और ये हरा धनिया, हरी मिर्च, और ये मसाले हल्दी नमक मिर्च मसाला, और वो ताई जी पीस रहे हैं राई, साथ में राई भी मैं डालूँगी रायते में, रायता मैं बनाऊँगी। ये देखिए भात, भात भी मैं ही पका दूँगी, क्या हो रहा है। अच्छा तो मैं डाल दूँ इनको, खीरा डाल देती हूँ इसमें, फिर सारा एक साथ मिक्स कर लूँगी। तो मैं बनाती हूँ रायता, और रायता बन जाएगा उसके बाद मैं आपको दिखाते रहूँगी कि कैसा बनता है मेरा रायता। ये देखिए रायता मेरा बन गया, पूरा रायता बन गया, मेरा काम रहता है, और ये खीर है देखिए, और खीर भी मेरी बन चुकी है, खीर बन गई, रायता बन गया, और पूरी के लिए आटा गूंथ के रखा है इसमें, और साथ में बाड़े इसका बनाएंगे हम, ये बाड़े के लिए हमने इसको तैयार करके रखा है, और मैं आपको दिखाती हूँ श्राद्ध की, श्राद्ध के लिए कहाँ पे तैयारी करके रखी है। ये देखें श्राद्ध के लिए पंडित जी का आसन यहाँ पे लगा के रखा है, और जो भी पत्ते वगैरह होते हैं वो सब यहाँ पे रखे हैं, और ये फल यहाँ पे हैं, ये चावल, और ये भी ये दही है, ये घी है, ये दूध है, और ये तेल, ये जौ, ये तिल, और वो शहद, ये सब कुछ श्राद्ध के सामान की तैयारी हो रही है। अभी पंडित जी आएंगे और श्राद्ध करेंगे, मैं दिखाऊंगी आपको पंडित जी जब आएंगे। तो यही है श्राद्ध का, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे दीदी भी आ चुके हैं, और ये क्या क्या वर्के ला रहे हैं आज हमारे, देखो ये देखिए, ये हमारी छोटी वाली दीदी हैं, ये देखिए इनके क्या क्या है,
ये आइटम वे फोटो खींचे हो रहे हो ना ना वीडियो बनाओ और की बनाओ कार्य तो जो वीडियो की करना वो कर दे तो उतना काम भी वो तो कर लेंगे मामा की बोलो जय वर्मा जी महाबाली वर्मा जी जन्म प्रथम पुरुषा है जो पटन में गया जय वर्मा जी महाबाली वर्मा जी जन्म प्रथम पुरुषा विष्णु पुत्र बिना आवे बिना उमा जय वर्मा जी 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 वर्मा वो देख के आग हमारी जल ही नहीं रही है, बड़ी मुश्किल से धुआं धुआं हो गया पूरे कमरे के अंदर। ये हमारा और इधर देखिए सामने हमारे घास है, ये मशीन है, इसी मशीन में घास जल के हमने यहाँ पे रखा है। यहाँ हमारा कभी कभी जैसे आग में बनाने वाला खाना आता तो उसको बना लेते हैं हम लोग इधर। वो आग जली लेकिन आग जल नहीं रही है, बड़ी परेशानी हो रखी है, आदत नहीं है ना आग में बनाने की। और ये मेरी इतनी पूरियाँ मैंने बेल रखी हैं, ये मेरा आटा है और मेरा स्टैंड, फ़ोन रखने वाला स्टैंड ये देखिए अम्मा हमारे पूरी बना रहे हैं। आज हम आग में बना रहे हैं खाना, क्योंकि गैस में बहुत गैस लग जाएगी तो इसलिए हमने कहा आग में बनाते हैं। ऊपर कढ़ाई रखी है, नीचे से आग जला के रखी है और ये पूरियां हमारी बन रही हैं। एक में पूरियां रखेंगे हम, एक में बाड़े। कहाँ हो रहे हो ना? तो हम ये बना रहे हैं पूरियां। ये हमारी चाय, ये हमारी चाय और ये हमारे एक और ताई जी आ गए छोटे वाले ये है छोटे, हाँ ये छोटे वाले ताई जी है, थोड़ी भी है या मोटी भी है, थोड़ी भी है, मोटी घट गई है। और ये पूरियां बन रही हैं और कचौड़ियां बन रही हैं। दुख से उसे कहाँ घट रही हूँ मौसमी सोच का ना दुख हो दुख एक दुख। देखिए अब मेरी सब्जी बन रही है, सब्जी बनाने के बाद मेरे को बनानी है दाल, दाल के बाद भात पकाना है। ये मेरी सब्जी है, इसमें है आलू, लौकी, शिमला मिर्च, मूली, हरी मिर्च भी काट रखी है। ये सब्जी है और इस कढ़ाई में मैं सब्जी बना रही है, मेरा मसाला है। तो दिखाते रहते हैं आपको, बने रहिए मेरे साथ मेरे वीडियो पे। और ये मेरी दाल भी पक चुकी है, देखिए मैंने चना, राजमा, अरहर और उड़द की दाल के मेरी दाल पक चुकी है। ये मेरा चावल पक रहा है और नीचे सब्जी बन चुकी है कढ़ाई में। और ये है उसमें खीरा उसमें रहता है। देखिए प्रसाद खाने लग गए ये ताई जी लोग, वो दीदी आए हैं।
हमने खा लिया क्योंकि खाना खाते टाइम वीडियो नहीं बनाया क्योंकि बहुत सारे लोग थे तो वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला। अब देखे मेरे किचन का हाल, ये थोड़ी सी दाल बची है, ये थोड़ी सी सब्जी बची है, ये मेरा बेटा देखो ये क्या ले रहा है इधर से गिलास, शीशे की कांच के गिलास को ले जा रहा है, और ये थोड़ी सी खीर बचा के रखे बच्चे खाएंगे। बस ये मैंने बिल्कुल भी किचन संभाल के नहीं रखा है अभी क्योंकि मैं थक गई सुबह से, आज मैंने पूरा खाना मैंने ही बनाया, पूरा काम किया था इसलिए थक गई हूँ। फर्श भी गंदा हो रखा, बर्तन भी नीचे ऐसे फेंक रखे हैं। अब मैं इनको संभालती हूँ और आपको मिलाती कुछ लोगों से, आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे ब्लॉग से पे। आपको मिलाती हूँ अपने कुछ मेहमानों से जो कि आ रखे हैं, देखे आराम फरमा रहे हैं मेरे मेहमान, ये देखे कैसे सो रखे हैं। ये हमारी दीदी हैं जो यहाँ आ रखे, जरा अपना चेहरा दिखाओ, इधर देखो तुम दोनों का प्यार है, इतना प्यार है। हाय हाय बोलो, कुछ बोलना है क्या? बोलो मेरी बहू को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट तो जरूर जरूर करना, इससे ज़्यादा क्या बोलना। अच्छा, और ये साथ में ये सोई है मेरी देवरानी, इन दोनों ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, ये इसको सिला रहे हैं। हाँ, और ये साथ में है मेरे सास, और साथ में है उनके ताई जी सोए वाले होंगे, मेरी सास और ताई जी को सुला रहे हैं देखो। और आप बताओ, कुछ बताओ अपने बारे में। अच्छा लग रहा है, क्या करूँ अभी घर जाना है। और अच्छा, इतना प्यार क्यों आ रहा है, हाथ हटाओ फिर। अच्छा चलो ठीक है, फिर मिलते हैं बाद में, और आज के ब्लॉग की एडिटिंग करते हैं यहीं पे। आप लोग को मेरी ब्लॉग अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मुझे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, खास तौर पे सब्सक्राइब करना ना, आप लोगों का एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत कीमती हो चुका है आजकल। तो गाइस आज की ब्लॉग के साथ इसी एंडिंग करते हैं, तो बाय बाय, गुड बाय।